दादा ने सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाई। सूरदास तब हसी सुदा नैन नीर भरी आयो। सूरदास तब हसी सुदा कहने लगी भाव का आनंद लेने वाली यशोदा कितनी भाग्यवान होगी, कितना सौभाग्य होगा कि जिसके वात्सल्य को पाने के लिए भगवान ने जन्मदाती माँ का भी आंचल छुड़ा लिया। कन्हैया जी वात्सल्य का आनंद ले रहे हैं, नंद बाबा कंस को कर देने गए हैं और इधर कंस तरह तरह के प्रयास, कभी अघासुर को भेजा भगवान ने उद्धार किया, तो बकासुर को भेजा तो उसका उद्धार किया, अनेक प्रकार की आसुरी शक्तियों को भेजता जा रहा है। कन्हैया जी ने अपने आप को निर्धारित किया है कि मुझे करना क्या है, अपनी मस्ती में रहना। आज ब्रज में एक दूसरा अनर्थ हो गया। तिवारी जी, ग्वाल बालों के साथ कन्हैया जी के दरवाजे पे बाबा नंद स्थापित हैं, बैठे हैं, चर्चा सत्रवाद संवाद चल रहा है, खेम कुशलताएं हो रही हैं। अचानक एक ग्वाल आता है और कहता है, बाबा आज फिर गजब हो गया। बोले, क्या? बोले, आज फिर एक गैया मर गई। आज भी एक गैया मर गई। कैसे? बोले, काली दह में। काली दह में आज फिर एक गैया मर गई। बोले, कैसे? कन्हैया जी चुपचाप सुन रहे हैं।